नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 12 और पाठ संख्या 12 का नाम है सोशल मीडिया। तो आप सब लोग परिचित होंगे सोशल मीडिया से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सोशल मीडिया के अंतर्गत ही आते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चित्र पर आधारित गतिविधि दी हुई है यहाँ हमें। सोशल मीडिया द्वारा बहुत से लाभ हैं और हानियाँ भी। अपनी समझ से इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान बताओ। तो आपको इसके कुछ फ़ायदे भी बताने हैं और साथ ही साथ इससे होने वाले कुछ नुकसान भी। चलिए पाठ में प्रवेश करते हैं। सूचनाओं को प्राप्त करने, सामाजिकता बढ़ाने एवं किसी मुद्दे पर, कोई टॉपिक हो, कोई मुद्दा हो, पर अपनी राय बनाने में सोशल मीडिया की अहम भूमिका है। किंतु विशेष रूप से बच्चों पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ते हुए दिख रहे हैं। वे अपना अमूल्य समय इसकी वजह से बर्बाद कर रहे हैं। अतः इसका उपयोग नियंत्रित एवं सकारात्मक रूप से करने की आवश्यकता है। आइए शुरू करते हैं। दृश्य एक, मध्यम वर्गीय परिवार की बैठक। दादी कहती हैं, सुबह सुबह ये क्या देखते रहते हो मोबाइल पर? समर, फेसबुक में मेरी पोस्ट पर कितने कमेंट आए हैं, यही देख रहा हूँ। दादी, पहले अपना मुंह तो धो लो, जब से आई हूँ तुम्हें मोबाइल या लैपटॉप पर ही लगा हुआ देख रही हूँ। पापा, फिर पापा कहते हैं समर के, इस सोशल मीडिया के चलते तुम्हारा नाश्ता तक ठंडा हो जाता है। समर, रात से इंतज़ार कर रहा था, नेटवर्क चला गया था, कितना बेचैन रहा, अब जाकर तो नेट आया है। मम्मी, समर कुछ दिनों से तुम्हारी पीठ और गर्दन में दर्द हो रहा है ना, आज शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। पापा नाराज़गी पूर्वक, मतलब नाराज़ होकर कहते हैं, यह सब पूरे दिन मोबाइल पर लगे रहने और नींद पूरी ना होने के कारण हो रहा है। अपने स्वास्थ्य से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, पढ़ाई में भी पिछड़ते जा रहे हैं साहबजादे। समर नाश्ता अधूरा छोड़कर अचानक बस स्टॉप की ओर बेतहाशा भागा, मतलब बहुत तेज़ी से भागा। समर अपने आप से बातें करता हुआ, आज फिर से देर हो गई, अब रिक्शा करना पड़ेगा, सारा जेब खर्च तो विद्यालय पहुंचने में ही खर्च हो जाता है। समर जैसे तैसे आनन फानन में स्कूल पहुंचा। अध्यापिका बोली, आज भी देर से, घड़ी देखो, पूरा आधा घंटा देर से हो, आज गणित की परीक्षा है, ये तो याद है ना? समर, परीक्षा? वह तो कल। काजल, मैम समर रात भर पबजी खेलता रहता है। अध्यापिका, पबजी खेलने के कारण तुम्हें परीक्षा का भी ध्यान नहीं रहा, और आज तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ हैं? राही, मैम कल ये सब मिलकर राजा जी के टीले पर घूमने गए थे, वहाँ सबसे ज़्यादा लाइक मिलने के लालच में फिसलन वाली पट्टे पर चढ़कर सेल्फी लेने लगे कि तभी संतुलन बिगड़ने से सब गिर पड़े। रोहन को तो प्लास्टर लगा है और शिव को सिर पर चोट आई है। अध्यापिका, परंतु दुर्घटना क्षेत्र होने के कारण ही तो उस पट्टी पर जाने का रास्ता पुलिस ने बंद कर रखा है। काजल, ऊपर से टाप टीप कर चले गए। अध्यापिका, तुम लोगों के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि तुमने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आता है दृश्य दो, पूरा परिवार एक साथ चाय नाश्ता करता हुआ। पापा, माँ अब की बार आप समर और यशस्वी को भी अपने साथ ले जाइए, वैसे भी इनकी छुट्टियाँ चल रही हैं। दादी, यह तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारे बाबूजी भी खुश हो जाएंगे। यशस्वी, नहीं पापा, हम उस छोटे से कस्बे में नहीं जाएंगे, नेट भी नहीं आता वहाँ, नेट के बिना तो जीने की सोच भी नहीं सकते। मम्मी, क्यों नहीं सोच सकते? इतने बच्चे हैं वहाँ खेलने के लिए, खालिस दूध पीना, पोखर में नहाना, गेहूँ के पौधे। यशस्वी, गेहूँ के पौधे होते हैं? पापा,
अब इस पीढ़ी को यह भी बताना पड़ेगा कि गेहूं, चने और मक्के के पौधे कैसे होते हैं। मम्मी, इन्हें यह तो अच्छे से पता है कि ट्विटर पर किसकी पोस्ट ट्रोल हो रही है, परंतु यह नहीं पता कि गेहूं के पौधे होते हैं। समर कहता है मोबाइल दिखाते हुए, यह देखो पापा, कोई दुबई गया है तो कोई सिंगापुर तो कोई, आप तो कहीं बाहर लेकर नहीं जाते, ले देकर वही कस्बा या फिर रिश्तेदारों के पास। मम्मी, हाँ तो इसमें गलत क्या है, अपनों का साथ ही तो खुशी देता है, ये दूसरों से कैसी होड़ लगा रखी है, आने जाने से ही तो मेल जोल बढ़ता है। समर, ज़रूरत ही क्या है मेल जोल बढ़ाने की, दोस्तों की कमी है क्या, फेसबुक पर मेरे लगभग 300 दोस्त हैं। पापा, जिन्हें कभी तुमने देखा तक नहीं, दोस्त वह होता है जो तुम्हारी एक आवाज़ पर दौड़ा चला आए, जो तुम्हें कभी निराश ना होने दे, जो तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हारे मन की बात जान ले। मम्मी बातचीत को बीच में रोकते हुए, हम लोग ज़रा बाहर जा रहे हैं, दादी का रक्तचाप बढ़ा हुआ है इसीलिए उन्हें चक्कर आ रहे हैं, 2 बजे उन्हें खाने के साथ दवाई दे देना। पापा, ध्यान रखना दादी का। दृश्य 3, पापा और मम्मी घर के अंदर प्रवेश करते हुए। पापा, अरे यह दरवाज़ा खुला हुआ क्यों है, जाते समय बच्चों से बंद करने के लिए कहा तो था। मम्मी लगभग चीखती हुई, जल्दी आइए, देखिए यहाँ माँ बाथरूम में गिरी पड़ी हैं। पापा घबराकर, माँ माँ, लगता है माँ बेहोश हो गई हैं, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। मम्मी, समर समर, यशस्वी यशस्वी। दृश्य 4, डॉक्टर गंभीरता पूर्वक, समय से दवाई ना मिलने के कारण इनको चक्कर आ गया और संतुलन बिगड़ने से गिर पड़ी, जिससे इनके कमर की हड्डी भी टूट गई है। समर बदहवास सा रोता हुआ, दादी दादी की इस हालत के जिम्मेदार हम हैं मम्मी। यशस्वी, हाँ पापा, मैं अपनी सहेलियों से चैट करने में इतनी व्यस्त थी कि दादी को खाना और दवाई देना ही भूल गई। समर, मैं भी कंप्यूटर पर दोस्तों के साथ पबजी खेलने के चक्कर में दादी की आवाज़ सुन ही नहीं पाया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें माफ़ कर दीजिए पापा। यशस्वी, अब हम समझ गए हैं कि सोशल मीडिया का नशा कितना खतरनाक है, पढ़ाई छूटी, दोस्त छूटे, परिवार का संग छूटा, वाद विवाद, नुक्कड़ नाटक, नृत्य, उत्सव, खेलना कूदना, सब कुछ छूट गया। समर रुआंसा सा कहता है, दादी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सब दादाजी के पास चलेंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये नाटक, अच्छा है ना? अगर सोशल मीडिया को प्रयोग करने के लाभ हैं तो उसकी हानियां भी हैं। कई बार हम सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि हमें अपने आसपास रहने वालों का भी ख्याल नहीं रहता, शायद उनमें से किसी को हमारी ज़रूरत हो, लेकिन हम अपने मोबाइल की दुनिया में ही मस्त हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, ना कि सोशल मीडिया पर। आगे चलते हैं, यहाँ दिए हुए हैं कुछ कठिन शब्द जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं, नेटवर्क, डॉक्टर, स्वास्थ्य, रिक्शा, दुर्घटना, रक्तचाप, एम्बुलेंस और कंप्यूटर। उसके आगे दिए हुए हैं हमें शब्द अर्थ जो आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। टिप्पणी का अर्थ है कमेंट, खालिस मतलब शुद्ध, बेतहाशा बिना सोचे समझे, पोखर तालाब, होड़ प्रतिस्पर्धा, आनन फानन बहुत जल्दी, बदहवास बौखलाया हुआ, टाप टीप लांघना, रुआंसा रोने को होने वाला। अभ्यास, अब हम करते हैं बात पाठ की, बताओ क्या पढ़ा। दादी ने सुबह सुबह समर को क्यों टोका, दादी ने सुबह सुबह समर को मोबाइल चलाने के लिए टोका, समर रात भर बेचैन क्यों रहा, नेटवर्क ना आने के कारण नेट नहीं आ रहा था, इस कारण समर रात भर बेचैन रहा।
मम्मी ने किस कारण से समर को डॉक्टर के पास ले चलने की बात की? समर की पीठ और गर्दन में दर्द था, इसी कारण मम्मी ने समर को डॉक्टर के पास ले चलने की बात कही। आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। समर के पापा किस बात से नाराज थे? समर पूरे दिन मोबाइल में लगा रहता था, रात में पूरी नींद नहीं लेता था, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखता था। उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समर के बहुत से दोस्त थे? फेसबुक पे। समर के दोस्त स्कूल क्यों नहीं आए थे? फिसलन पट्टी से गिरने के कारण उन्हें चोट लग गई थी। दादी जी को चक्कर क्यों आ गया? रक्तचाप बढ़ने के कारण, बीपी बढ़ने के कारण दादी जी को चक्कर आ गया। किसने कहा, किससे कहा, ये क्या देखते रहते हो मोबाइल पर? दादी ने कहा था समर से। समर रात भर पबजी खेलता रहता है। काजल ने अध्यापिका से। गेहूं के पौधे होते हैं? यशस्वी ने मम्मी से। माँ बाथरूम में गिरी पड़ी हैं? मम्मी ने कहा था ये पापा से। प्रश्न नंबर 4 है, वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। समर सारा दिन मोबाइल और लैपटॉप पर लगा रहता था, सही। समर और यशस्वी दोनों गांव जाने की बात से खुश हुए, नहीं। वे वहां नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं था। दादी जी चक्कर आने से गिर गई थी, सही। दादी के पैर की हड्डी टूट गई थी, नहीं, दादी की कमर की हड्डी टूट गई थी। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। सुबह के समय समर को फोन चलाते देख पापा और दादी ने उसे क्या कहा? सुबह के समय समर को फोन चलाते देख पापा और दादी ने उसे ऐसा करने से मना किया और कहा कि सुबह सुबह फोन चलाना सही नहीं है, इस फोन चलाने के चक्कर में उसका नाश्ता भी ठंडा हो जाता है। नाराज होकर पापा ने समर को क्या कहा? नाराज होकर पापा ने समर को कहा कि एक तो ये रात भर मोबाइल पर लगा रहता है और अपनी नींद भी पूरी नहीं करता, अपने स्वास्थ्य का नुकसान तो करता ही है, साथ ही अपनी पढ़ाई का भी नुकसान कर रहा है। समर के सभी दोस्त स्कूल क्यों नहीं जा पाए? समर के सभी दोस्त फिसलन वाली पट्टी से फिसल कर गिर जाने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इसी कारण वह स्कूल नहीं जा पाए। यशस्वी और समर ने छुट्टियों में कहाँ जाने का मना किया? यशस्वी और समर ने छुट्टियों में गांव जाने से मना किया क्योंकि वहां नेटवर्क नहीं आता था। किस घटना के कारण बच्चों को अपनी भूल का एहसास हुआ? मम्मी पापा के घर से बाहर जाने पर बच्चों ने ना तो घर का दरवाज़ा बंद किया और ना ही दादी को समय से भोजन और दवा दी। इस कारण दादी बाथरूम में चक्कर खाकर गिर पड़ी और उनकी कमर की हड्डी टूट गई। यही वह घटना थी जिससे बच्चों को अपनी भूल का एहसास हुआ। तो आशा करती हूँ बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल मीडिया का आवश्यकता से अधिक उपयोग आपके लिए भी कोई मुसीबत खड़ी कर सकता है या आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से हटा सकता है। तो आप सब समझदार हैं, आप सोशल मीडिया का उतना ही उपयोग करें जितना आवश्यक है। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।